हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नील मोनी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो है सन 2002 की रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मॉस्को में टूर्नामेंट खेला गया था। 8th राउंड में यहाँ दो बहुत ही गजब के खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला था। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव इनके सामने थे, आर्मेनियन ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर अकोपियन। तो फ्रेंड्स, वैसे व्लादिमीर की इस गेम के दौरान रेटिंग 2678 थी, वाइट पीसेज के साथ वे खेल रहे थे। वहीं गैरी कास्परोव 2838, लगभग 150 पॉइंट का फर्क है दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में, 160 जितना भी था। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। e4 के साथ यहाँ व्लादिमीर अकोपियन ने शुरू किया था। c5 सिसिलियन डिफेंस गैरी कास्परोव ने खेला। नाइट f3, नाइट c6, बिशप b5, ओके, देन हुआ e6 कैसल बाय व्हाइट, नाइट एट जी गोज टू e7। फ्रेंड्स, बहुत छोटी गेम है, बहुत सिंपल गेम है, लेकिन मजेदार है। b3 देन a6, बिशप पर अटैक, बिशप के साथ डिसाइडिव करना ही होगा। बिशप टेक c6, नाइट टेक c6, देन बिशप b2 स्क्वायर पर b5 हुआ, देन c4, b टेक c4, रुक b8, और यहां डायरेक्टली बिशप पर अटैक है तो ये बिशप गया c3 स्क्वायर पर। इसके बाद हुआ d6, देन नाइट a3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस नाइट की अगर आप डेस्टिनेशन देखें या इसका पूरा रूट फॉलो करें, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से अगर मैं ब्लैक की तरफ से होता तो यही देखता कि a6 स्क्वायर इस नाइट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कहां जा सकता है? पहली ऑप्शन की, अगर ब्लैक यहां इस ए पॉन को आगे पुश करे तो नाइट जा सकता है b3 स्क्वायर पर, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और जो नेचुरल मुझे नजर आता है वो नाइट के लिए, देखिए पोजीशन फ्रेंड्स, रीशफलिंग ऑफ नाइट। मुझे ऐसे ही पोजीशन से मुझे ऐसा ही उम्मीद है। ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अपने ई पॉन को आगे पुश कर दिया, इनविटेशन है। नाइट c2 स्क्वायर पर गया, बिशप e7 हुआ, नाइट e3 स्क्वायर पर गया, और अब यहाँ गैरी कास्परोव ने कैसल किया। इसके बाद हुआ d3, क्वीन गई e8 स्क्वायर पर, देन रुक b1, रुक एक्सचेंज ऑफर, रुक टेक्स b1, क्वीन टेक्स b1, बिशप d8, देन नाइट d2 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट d2 स्क्वायर पर, ओके, यहाँ व्हाइट की इंटेंशन जरूर इस f पॉन को ही आगे पुश करने की रही होगी। वेल, पहले हुआ g6 तो नाइट d5, ये मूव तो एक्सपेक्टेड था यहाँ पर व्हाइट से। f5, e takes f5, और फ्रेंड्स मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था ब्लैक से कि वो यहाँ जरूर अपने बिशप को माइट भी कुछ इस प्रकार से डेवलप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा, नाइट बीच में आ सकता है। चलिए देखते हैं, g takes f5, देन हुआ f4, जो मुझे लग रहा था। अगर यहाँ अब e takes f4 हो जाए, देन नाइट f3, ठीक था ये मूव मुझे, अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज हो जाता तो बेटर था ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल, रुक f7 को यहाँ पर गैरी कास्परोव ने प्रमोट किया, और अब इंटेंशन क्या है गैरी कास्परोव की, अपने रुक को जी फाइल में लेकर आने की, क्वीन को जरूर यहाँ डेंजरस चेकमेटिंग थ्रेट बनाने की, लेकिन बहुत देर है। उससे पहले यहाँ व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा e1 स्क्वायर पर, और इसके बाद रुक गया g7 स्क्वायर पर, और अगले मूव में जो थ्रेट मुझे लग रही थी वही यहाँ लगने वाली है। नाइट f3, देन हुआ क्वीन g6, अटैकिंग थ्रेटनिंग चेकमेट, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अभी यहाँ हुआ g3, देन रुक f7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का f7 स्क्वायर पर आना क्यों बनता है, आप यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप की पोजीशन को देखिए, काफी देर से नहीं, एग्जैक्टली दो मूव से पिछले यहाँ ये e5 पॉन पिन था। अब यहाँ पॉन एक्सचेंज किए जा सकते हैं, और चूंकि यहाँ g3 पॉन पिन है तो माइट भी कुछ एडवांटेज हो सकता है, ज्यादा खास तो होगा नहीं। लेकिन f takes c5 पहले यहाँ पर व्हाइट ने कर लिया, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर किसी भी तरह से गैरी कास्परोव को इस गेम में बने रहना था तो उन्हें यहाँ अपने रुक को f8 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको टैक्टिक्स लगानी है तो ओपोनेंट की गेम में वो पीस ढूंढे जो अनडिफेंडेड है, या फिर अपने किसी भी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़े, पता नहीं कब कौन सी टैक्टिक्स लग जाए और वो पीस आपके हाथों से निकल जाए, खासकर ये नाइट। आप यहाँ इस नाइट की पोजिशन में देखिए, क्योंकि यहाँ ये क्विन चेक देने के बाद इस नाइट तक अटैक बना रही है। खैर, यहाँ पर गैरी कास्परोव ने एफ पॉन को आगे पुश किया, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। देन e takes d6, और थ्रेट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक देने के बाद नाइट, चलिए बिशप को तो नहीं मानते क्योंकि रुक बीच में लग गया, दैट्स ओके, f takes g3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद गैरी कास्परोव ने मूव चल तो दिया,
लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, आई डोंट नो आई थिंक, और यहाँ इस मूव के बाद उनका रेजिग्नेशन आया। और रेजिग्नेशन का रीजन क्या है फ्रेंड्स, यहां से इस गेम को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ व्हाइट सबसे पहले एक चेक देगा, क्वीन E8 चेक। रुक अगर बीच में यहाँ लग भी गया तो अब यहाँ ब्लैक क्या थ्रेट दे रहा है अगले मूव में। चलिए क्वीन बच से नाइट अगर ले भी लिया तो यहाँ इस पॉन से पॉन एक्सचेंज किए जाएंगे, किंग को ओपन किंग सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग में पहुंचा दिया जाएगा। तो किंग टेक्स H2 करना ही पड़ेगा, या और भी कुछ हो सकता है बिशप, यहाँ किंग टेक्स H2 करना ही पड़ेगा और उसके बाद कुछ चेक्स के सीक्वेंस। ओके यहाँ चलिए फ्रेंड्स छोड़िए, यहाँ पर अगर व्हाइट क्वीन टेक्स F8 चेक भी कर लेगा तो भी वो बहुत फायदे में रहने वाला है। क्यों? किंग टेक्स F8 होगा और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डिस्कवर्ड चेक की तैयारी होगी, नाइट E5 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर चला भी गया, देन नाइट टेक्स G6, एच टेक्स G6, एच टेक्स सॉरी जी टेक्स H2 विद द चेक, किंग टेक्स H2 देन एच टेक्स G6। और फ्रेंड्स आप यहां देखेंगे कि कम से 3 पॉन नहीं 4 पॉन यहाँ व्हाइट के पास होंगे, 3 पॉन जो कि कभी भी किसी भी कीमत पर क्विन प्रमोट नहीं हो सकते। और एक बेहद डेंजरस डायगनल पर बैठा हुआ यहां पर एक बिशप जो कि इस गेम में ब्लैक को कुछ नहीं करने देगा, इनफैक्ट अगर यहाँ ब्लैक मेटेरियल एक्सचेंज करता हुआ भी चला जाएगा तो भी ये गेम उसी की है। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ठीक है, गैरी कास्परोव ने अपना मूव चल तो दिया था, लेकिन फ्रेंड्स इस गेम में आगे उनके लिए कुछ खास बचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है नील मोनी जी की बताई हुई गेम आपको जरूर पसंद आई होगी, छोटी गेम थी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।